इज ए डिप्रेशन, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। मेडिकल की फाइनल की एग्जाम देने वाली लड़की, उसने कॉन्टेक्ट किया, जैसा हमने बताया कि वीडियो कॉल करते रहते हैं लोग, वीडियो कॉल पे घर पे बैठे बैठे पूछते रहते हैं, कंसल्टेशन देते हैं। उसने फोन किया, बता रहे थे कि अभी एग्जाम हुई नहीं और अभी पिछले 4-5 महीने से घर में बैठी हुई है, बोर हो रही है और फिर नकारात्मक विचार आते रहते हैं, आगे कैसा होगा, क्या होगा, मतलब नींद ठीक नहीं आती, खाना बराबर नहीं है, डर लगता है कि कोविड हो जाएगा क्या, और कोविड हुआ तो क्या फिर आगे चल के, फिर मेरा लंग्स जो है उसमें यदि वो इफेक्ट आ गया, मतलब उसमें परिणाम हो गया या दुष्परिणाम हो गया लंग्स में, तो फिर आगे कैसे होगा, फिर कोविड हुआ तो लोग क्या कहेंगे, मेरी शादी होंगी कि नहीं होंगी, और फिर एकदम होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, चिंता, पास होंगी कि नहीं होंगी, अभी तो पढ़ाई भी नहीं है। मतलब कोविड के ऐसे काफी सारे केसेस हमारे पास में आए कि जिनको कोविड का डर हुआ, कोविड होगा करके डर, जिससे उनको एंग्जाइटी बढ़ गई, और कुछ लोग ऐसे कि कोविड के डर से उनको डिप्रेशन आ गया कि अभी कुछ खरा नहीं अपना, और वो डाउन हो गए, नर्वस, उदास, क्राइंग, मतलब रोना आना, और आगे कुछ होने वाला है नहीं, अभी इससे अच्छा मर गए तो अच्छा, कुछ भी विचार आते, कितना भी समझाया भी मानने को तैयार नहीं, और बोले नहीं मेरे को मरना ही है। तो इस तरह के पेशेंट्स जो है वो कोविड से बढ़ रहे हैं। काफी सारी चिंता है लोगों के दिमाग में, अभी भी रूटीन चालू हुआ नहीं है और उनको पता नहीं कि अभी क्या होगा आगे चल के, क्या है कि ये लोग वैसे भी डिप्रेशन में जाने वाले थे, कोविड एक कारण, क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे कगार पे खड़े रहते हैं ब्रेकडाउन के, और कुछ तो भी ऐसा एक लाइफ इवेंट हो जाता कि जो लाइफ इवेंट से ये ब्रेक हो जाते और वहां उनको मानसिक बीमारी हो जाती, फिर वो लाइफ इवेंट होगा फेलियर का, लाइफ इवेंट होगा फाइनेंशियल लॉस या डिवोर्स या कोर्ट केस का लॉस या सास का ससुर का नेगिंग करना, मतलब उन्हें नेगिंग करना, या शादी होना, या कुछ भी कारण हो सकता है कि जिससे फिर उनको एकदम ये डिप्रेशन का अटैक आएगा या एंग्जाइटी का आएगा या स्किज़ोफ्रेनिया का आएगा, अदरवाइज ऑल्सो वो ब्रेक होने वाले थे, कोविड एक नाम मात्र हो गए। अभी करना क्या है, करना यह है कि भाई पहले अभी एंटी डिप्रेशन दवा, एंटी डिप्रेशन दवा लेके अपना पहले जो केमिकल इम्बेलेंस हुआ है उसको सीधा करो, टाइट करो, बैलेंस करो, और बाद में भी समझो कि ठीक है जो हुआ वो हुआ, ये पूरा अनसर्टेन टाइम है, अभी क्या, अभी कर क्या कर सकते हैं, क्या संभव है, पॉसिबल क्या है, खड़े वहां रहने का है कि वैसा भी लाइफ अनसर्टन था, कुछ सर्टेनिटी नहीं थी, हमको लग रहा था कि सर्टेनिटी है पर कोई सर्टेनिटी नहीं थी, और ये अनसर्टेनिटी आ गई नहीं तो और कोई आती थी, लाइफ मेरे आम में कुछ भी फेंकेगा तो मैं कैसा पावरफुली उसको डील करूंगा वो हमको देखना है, और उसके लिए हमारे पास में है एक लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, एक जीवन की तरफ देखने का दूसरे व्यूज, कि भाई एक दूसरे में देख रहा हूँ कि अभी कोई खड़ा नहीं, कि अभी मैं दूसरे में देख सकता हूँ कि नहीं ये संभव है, ये मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह का हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं, हिप्नोथेरेपी देते हैं और दवाई देते हैं, इससे ये जो डिप्रेशन की बीमारी है ठीक हो जाती है। करोना एक निमित्त मात्र है, आप हमें ऑनलाइन कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन करके अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है वहाँ बिना रिश्तेदार रहने की व्यवस्था है, तो जैसे जो वायलेंट मेंटल पेशेंट्स हैं उनको हम अलग रखते हैं, रिश्तेदारों के अलावा रखते हैं, उनको भर्ती करते हैं, लॉन्ग स्टे पेशेंट भी हमारे यहाँ है कि जिनको हम भर्ती करके उनका इलाज करके फिर उनको घर में वापस भेजते हैं। जो रिलेटिव रहने को तैयार है, रिश्तेदार रहने को तैयार है, उनको रहेंगे, दूसरा हॉस्पिटल है वहाँ उनका इलाज करते हैं, और जिनको ओपीडी बेस पे आने का उनको ओपीडी बेस पे करते इलाज, और जिनको ऑनलाइन कंसल्टेशन जूम कॉल करना है उनको ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं। आप हमारे जो असिस्टेंट्स हैं उनसे कॉल करके हमारा टाइम फिक्स कर लो, जल्दी अच्छा हो जाओ, पावरफुली जीवन जियो, और हमारा जो मकसद है मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन एंड एडिक्शन फ्री इंडिया, उसमें हमारे पार्टनर बन जाइएगा, हमारा ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।